अस्सलामुअलैकुम। डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। केएससी 100 इंडेक्स आज 51,177 के लेवल पे बंद हुआ है और ओवरऑल तकरीबन 149 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। ड्यूरिंग द डे मार्केट में हमने देखा कि जिस तरह रिजल्ट सीजन चल रहा है और जिस तरह कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, खासतौर पर अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जिनमें से कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे आउट किया और बहुत अच्छी अर्निंग्स आई है, और इसके साथ साथ मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम और एक रैली चल रही थी वो जो है वो कंटिन्यू रही, जिसकी वजह से मार्केट जो है तकरीबन 300-400 पॉइंट भी हमने देखा कि ड्यूरिंग द डे में जो है वो इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट टेकिंग होती रही, लेकिन एट द एंड इंडेक्स जो है पॉजिटिव जोन के अंदर बंद हुआ है। आज वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं, जिस तरह वॉल्यूम्स में एक तेज़ी है और इन्वेस्टर का एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, आज भी वो चीज़ कंटिन्यू रही और तकरीबन 426 मिलियन शेयर्स का जो है ओवरऑल आज के दिन में काम हुआ ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो WTL का था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमने वॉल्यूम देखा है। सेकेंड और थर्ड नंबर पे वॉल्यूम का बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब जो पिछले काफ़ी दिनों से एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी दे रहा है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और उसके साथ साथ फौजी सीमेंट जो है वो तीसरे नंबर पे, जिसने जो है वो सबसे अच्छा जो है वो वॉल्यूम वाइज जो जिसमें आज काम हुआ है। डॉलर की बात करें तो कल जिस तरह रुपी जो है वो वीक हुआ था, आज भी वो वीकनेस कंटिन्यू रही और तकरीबन 98 के करीब जो है वो डॉलर और जो है वो इंटरबैंक के अंदर स्ट्रांग हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह रिजल्ट सीज़न चल रहा है, मोस्टली जो है बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है थोड़ी बहुत उसमें गुंजाइश जो है वो इंडेक्स के अंदर नज़र आती है। और जैसे बात है मॉनेटरी पॉलिसी की, जो मीटिंग है नेक्स्ट वीक के बिल्कुल शुरू में, वो काफ़ी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मार्केट के डायरेक्शन को सेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जहाँ प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए और वेट करना चाहिए थोड़ी सी सही खबर का, और उसके बाद जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ बाय करनी चाहिए। इसके साथ साथ IMF के हवाले से भी खबरें आ रही कि IMF की जो टीम है नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में जो है पाकिस्तान विजिट करेगी और नेक्स्ट जो हमारा एक रिव्यू है उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें वगैरह और सारी चीज़ें देखेंगी, और अगर हम सक्सेसफुली रिव्यू कम्प्लीट कर लेते हैं तो हमें 700 प्लस जो है डॉलर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं और ये न्यूज़ है जो आगे जाके ये और न्यूज़ बेस के ऊपर जो है वो मार्केट जो है आगे परफॉर्म करेगी, डायरेक्शन सेट करेगी। तो जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए और साथ साथ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ बाय भी करना चाहिए। थैंक यू।